तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, यदि आप उस इन्फॉर्मेशन को अच्छा से समझते हैं तो दोस्तों आप जितना भी फोटो फेसबुक पर अपलोड करोगे किसी भी फोटो का कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को अभी से ही एक लाइक कर दें। और फ्रेंड मैं कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल पर एक वीडियो दिखेगा जो हमारे चैनल का मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, तो उसको देखिएगा फ्रेंड। पहला सेटिंग आपको इनेबल वो करना है, उसके बाद दोस्तों आपको एक और वीडियो ये दिख रहा है तो ये दूसरा सेटिंग है। ये दोनों सेटिंग इनेबल करने के बाद दोस्तों सारा जो प्रोसेस है उस ये वीडियो में बताएंगे, जो आगे का जो प्रोसेस होगा ये वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताएंगे, जिससे कि आपकी जितना भी फोटो अपलोड करो मतलब फेसबुक पर ही किसी कोई भी आपके फोटो का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है। तो चलिए गाइज हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि कैसे कैसे आपको सेटिंग इनेबल करना है जिससे कि कोई भी आपके फोटो का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है, सभी फोटो आपको सेफ रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से अपना फेसबुक ऐप जो है वो ओपन करना है, तो यहाँ से मैं अपना फेसबुक ऐप ओपन कर लेता हूँ। और ध्यान रहे फ्रेंड कि आप पहले वो दो सेटिंग इनेबल कर लो, तभी ये तीसरा सेटिंग इनेबल होगा जिससे कि आपके सभी प्रोफाइल का जितना भी फ़ोटो अपलोड करे हुए फेसबुक पर उसका स्क्रीनशॉट कोई भी नहीं ले सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको वो दोनों सेटिंग इनेबल करने के बाद आप जब भी कभी नया फ़ोटो अपलोड करो तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल में करना है। तो मैं पहले प्रोफाइल पर क्लिक कर लेता हूँ और जो भी फ़ोटो है मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। तो आपको लगेगा दोस्तों कि मैं जो प्रोफाइल रखा हूँ वही रखूँ और मेरा भी लाइक और जो भी कमेंट है वो ना जाए और वही फ़ोटो वापस से रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नया फ़ोटो जो भी अपलोड करना हो फेसबुक पर तो पहले वो अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, मान के चलिए मैं ये फ़ोटो अपलोड करता हूँ अभी फ़िलहाल। तो दोस्तों ये फ़ोटो यहाँ से मैं अपलोड कर लेता हूँ, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, यहाँ से आगे करना है वो दोनों सेटिंग इनेबल करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ से करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, तो सेव पे क्लिक करते हैं। अभी देख सकते हो यहाँ से फ्रेंड ये जो है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब सिंपली से फ्रेंड नीचे मैं देख लेता हूँ, वेट कर लेता हूँ थोड़ी देर रिफ्रेश करके, जिससे कि पता लग जाए कि ये अपलोड हुआ या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से मैं एक बार रिफ्रेश और कर लेता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों अभी आप देख सकते हो ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है। तो सिंपली दोस्तों वो दोनों सेटिंग इनेबल रहेगा तो आप प्रोफाइल में जब भी फ़ोटो अपलोड करना प्रोफाइल में करना, तो जिससे कि वो सेटिंग इनेबल होने के कारण कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि मैं मतलब कितना लोग सोचते हैं कि मैं वही पुराना वाला फ़ोटो ही प्रोफाइल में रखूँ, तो आपको सेलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक करना है और फिर से जाना है अपलोड पर और आपने यहाँ पर एल्बम पर चले जाना है और प्रोफाइल में जितना भी आज तक फ़ोटो अपलोड किया है तो यहाँ पर शो करेगा। तो सिंपली से दोस्तों उस वाले फ़ोटो पर क्लिक कर देना है आपको। तो यहाँ से मेरा पहले का फ़ोटो ये था तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ और सिंपली दोस्तों आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो वापस से वही फ़ोटो आ जाएगा जो पहले से आपने लगाया हुआ था। तो इससे दोस्तों ऐसा करने से आपका लाइक कमेंट भी नहीं हटेगा और फ़ोटो वो जो था जो पहले से आपने लगाया वो हो भी जाएगा, मतलब कि यहाँ से हट भी जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से होता ये है कि आपका पुराना जो फ़ोटो होता है वो रह जाता है और नया फ़ोटो का जो स्क्रीनशॉट प्राइवेसी ऑन हो जाता है जिससे नहीं हो पाता। तो यहाँ से मैं ये फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। और सिंपली दोस्तों जब भी आपको फ़ोटो अपलोड करना है तो ध्यान रहे आप प्रोफाइल में ही करिएगा, जिससे कि वो प्राइवेसी के कारण सभी फ़ोटो पर वो प्राइवेसी लागू होगा और जिससे कोई भी जो है एक भी फ़ोटो का स्क्रीनशॉट नहीं हो पाएगा। तो आई होप दोस्तों आपने देखा कि कैसे अपने जो पूरा फ़ोटो होता है जितना भी फ़ोटो अपलोड करो वो आपको प्रोफाइल में ही करना है, और इस तरह से करके दोस्तों आप करोगे तो आपका कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है फ़ोटो का। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल में। और दोस्तों बाकी सोशल मीडिया के लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप चाहें तो आप वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई भी करूँगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।